हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट वन वीडियो हम लोग लास्ट क्लास में अपलोड कर दिया था। आज हमारा है पार्ट टू। हम लोग फर्स्ट क्लास में क्या सीख लिया था, टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का रिलेशन क्या है। फिर हम लोग सिखाया कन्वर्शन ऑफ यूनिट, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया तो मीटर पर सेकंड में कैसे लेकर जाते हैं, मीटर पर सेकंड में दिया तो हम लोग किलोमीटर पर आवर में कैसे लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एवरेज स्पीड क्या है सीख लिया, फिर रिलेटिव स्पीड क्या है ये भी सीख लिया। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिनमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग डायरेक्ट उसको याद रख सकते हैं तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग कभी भी, मेरा क्लास में कभी भी मैं आपको नहीं कहूंगा कुछ याद रखने के लिए, मैथ याद रखने का चीज है ही नहीं, मैथ है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला तो आप खुद एग्जाम हॉल में भी बना लोगे, फॉर्मूला तो खुद आप एग्जाम हॉल में भी बना लोगे। और उनके लिए टाइम कितना लगेगा, 2 सेकंड से 3 सेकंड, 2 सेकंड से 3 सेकंड लगेगा, ज्यादा भी नहीं लगेगा। तो हम लोग पहले आपको कॉन्सेप्ट देंगे, फिर आपको शॉर्टकट रूल्स भी बता देंगे, जो आपको अच्छा लगे आप यूज करना, ठीक है। चलो देखो, आप हम लोग आज रूल्स वन के तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलो रूल वन मुझे बताओ, रूल वन क्या है टाइम एंड डिस्टेंस में। रूल वन है, अगर इफ ए ट्रेवल विथ स्पीड x किलोमीटर पर आवर फॉर t1 आवर के लिए जो a है, a ट्रेवल कर रहा है, सपोज मान के चलो ए है, ठीक है, ए ट्रैवल कर रहा है कित कौन सा स्पीड में कर रहा है, एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड में कर रहा है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है टी आवर, ठीक है। एंड विथ स्पीड वाई किलोमीटर पर आवर फॉर टी टू आवर, देन एवरेज स्पीड। ये डिस्टेंस तो भाई साहब ने किया एक्स किलोमीटर पर आवर से टी आवर, उसके बाद भाई साहब ने ना y किलोमीटर पर आवर इन स्पीड में किया, कितना टाइम लगा, t आवर, ठीक है। इनसे भी टाइम लगा आपका, सपोज ये मान के चलो ये t1 आवर है ये t2 आवर है। तो मुझे बताओ एवरेज स्पीड क्या है। देखो, मैंने आपको जब कल लास्ट क्लास में एवरेज स्पीड बोला था तो बोल दिया था टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। सिंपली फॉर्मूला क्या है, एक्स टी वन, एक्स किलोमीटर जा रहा है, टी वन टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स टी वन प्लस टोटल, ये भी तो है ना। अगर वाई किलोमीटर स्पीड में जा रहा है, टी टू टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, वाई टी टू। अब टोटल टाइम कितना लग रहा है, टी वन टी टू, ठीक है। कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो सिंपली है, ये फॉर्मूला तो मैंने कल ही आपको लास्ट क्लास में बोल दिया था। लेकिन क्या है, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख के आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो एग्जाम हॉल में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो एक्स किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है, टी वन मैंने टाइम ले रहा हूं तो मेरा डिस्टेंस हो गया एक्स टी वन, एक्स वाई किलोमीटर मेरा स्पीड है, और अगर टी टू टाइम ले रहा हूं तो मेरा हो गया वाई टी टू। तो ये हो गया मेरा टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम है t1 plus t2, ठीक है। समझ में आ गया। चलो इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है ना, ए मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, कोई भी एक पर्सन को मान लो ए 5 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड है, और 6 आवर क्या कर रहा है, चल रहा है। एंड एट 4 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 आवर्स, कुछ डिस्टेंस किया। उसके बाद क्या किया, 4 किलोमीटर पर आवर में वो 12 आवर्स गया, ठीक है, कुछ डिस्टेंस किया। तो मुझे बताओ एवरेज स्पीड क्या है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो हम लोग लास्ट कल क्लास में पढ़े थे, ठीक है। देखो, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो मुझे बता टोटल डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो सिंपली मुझे बताओ, टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो,
ये है 6 घंटा ले रहा है, ये 12 घंटा ले रहा है। मैंने अगर मान लिया, मैंने अगर सपोज आपको मान लिया कि ये लेट एक्स एंड वाई कैसे पकड़ के करते, ये भी सीख लो ठीक है, क्योंकि ये मेंस एग्जाम के लिए कम में आते हैं। देखो एक्स है, मैं मान लिया कि मेरा ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है एक्स, तो टोटल डिस्टेंस हो गया एक्स। अब मुझे बताओ टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है एवरेज स्पीड का। अगर 5 किलोमीटर पर आवर में, 5 किलोमीटर पर आवर में अगर 6 घंटे मेरा लग रहा है, 5 किलोमीटर क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, और 6 घंटे मेरा लग रहा है, 6 घंटे मेरा लग रहा है, तो सिंपली मुझे बताओ इसमें इसमें क्या है टोटल डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस है 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30। और अगर 4 किलोमीटर स्पीड में अगर 12 घंटा लग रहा है, तो इनका डिस्टेंस क्या है 12 × 48, ठीक है 12 × 48। तो एक्स का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है, 30 + 48, 30 + 48 = तो है ना 8, और 4 × 3 = 7, 78 हो गया, 78। देखो 5 × 6 क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर स्पीड है 5 और अगर 6 है टाइम, तो 30 हो गया, और 4 × 12 = 48, तो ये टोटल क्या 78। तो एक्स का मतलब क्या आ गया है, एक्स का मतलब आ गया 78, एक्स का मतलब आ गया 78। अब मुझे बताओ टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम है 6 + 12, 6 + 12 6 घंटा, प्लस क्या है 12 घंटा, ठीक है। तो 78/18, 78/ क्या है ना 18, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अगर आपको क्वेश्चन में सपोज आपको कुछ क्वेश्चन है, और अगर सपोज आपको ये नहीं दिया, ये टाइम आपको नहीं देता, आपको क्वेश्चन में सुन लो, अगर क्वेश्चन में आपको बोल देता कि 5 किलोमीटर पर आवर में हाफ डिस्टेंस कवर करते हैं, उसके बाद 4 किलोमीटर पर आवर में हाफ डिस्टेंस कवर करते हैं, तो मुझे उस टाइम में बताओ एवरेज स्पीड क्या है, मुझे उस टाइम में बताओ एवरेज स्पीड क्या है। तो उस टाइम में क्या करते हो, उस टाइम में क्या करोगे, टाइम तो मुझे बताया नहीं, मुझे बोल दिया हाफ डिस्टेंस पहले कवर किया इतना स्पीड में, और उसके बाद हाफ डिस्टेंस कवर किया, तो सिंपली उस टाइम क्या कंसेप्ट लगाओगे, टोटल इक्वल टू मान लेना 2, टोटल इक्वल टू मान लेना 2x टोटल है। तो x गया मेरा 5 किलोमीटर पर आवर से, और नेक्स्ट x गया 4 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या होगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अगर स्पीड इक्वल टू टाइम मिल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम मिल जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दे देना, फिर आपको आ जाएगा एवरेज स्पीड। समझ गया, समझ गया ना। देखो एक एक रूल्स पढ़ेंगे, एक एक रूल्स को बेसिक सीखेंगे, बेसिक के बाद हम लोग क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला, यह फॉर्मूला का यूज से दिखाया, चलो रूल 2 के तरफ मूव करते हैं। रूल 2 क्या है, देखो रूल 2 क्या है, इफ अ मैन और व्हीकल, कोई इंसान भी हो सकते हैं, कोई पर्सन भी हो सकते हैं, कोई कार भी हो सकते हैं, कोई बस भी हो सकते हैं, अगर कवर्स 2 इक्वल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर एंड वाई किलोमीटर पर आवर, मैंने जो आपको लास्ट में बोल दिया वही आपका क्वेश्चन रूल 2 बन गया। देखो मैंने बोला अगर कोई पर्सन या कोई व्हीकल्स अगर 2 इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, ये भी डिस्टेंस, ये इक्वल टू ये डिस्टेंस, ठीक है, कवर करते हैं, पहले क्या है x किलोमीटर पर आवर में, और बाद में क्या है y किलोमीटर पर आवर में कवर करता है, तो क्या होगा, इसके लिए कंसेप्ट क्या है, इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है। देखो अगर आपको y किलोमीटर में कवर कर रहा है, देन द एवरेज स्पीड ऑफ अ मैन और व्हीकल फॉर कंप्लीट जर्नी, ये पूरे कंप्लीट जर्नी के लिए आपको एवरेज स्पीड बताओ। मैंने थोड़ी देर पहले मुझे उस टाइम दिखावे नहीं रूल 2, ठीक है रूल 2 ये बोलना है, लेकिन मुझे लगता है कि आप पता है रूल 1 रूल 2 आप लोगों को जस्ट याद रखने के लिए मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ ये सारे फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, ये पूरे कंसेप्ट जो है ना, ये पूरे जो कंसेप्ट है ना सिर्फ एक ही कंसेप्ट में याद रखते हैं। सिंपली मुझे पता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम इक्वल टू मेरा है एवरेज स्पीड, आप कुछ भी क्वेश्चन मेरे को दे दे मुझे तो वहीं से मिल जाएगा। और एक ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं, जो फॉर्मूला हम लोगों को पता है वो कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इनके लिए क्या होगा, इनके लिए फॉर्मूला देख लो, इनके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट आप लोग एग्जाम के लिए क्या लिखोगे, लिखोगे 2xy x + y x + y। ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ना, ये सॉल्व में भी मैं बोल दूंगा, ये सॉल्व बोल दूंगा। देखो सपोज मान के चलो ये टोटल आपका डिस्टेंस है 2, तो ये है 1 किलोमीटर, ये है 1 किलोमीटर कवर किया, तो मेरे को टोटल डिस्टेंस कवर करना है 2 कवर करना है। अब मुझे क्या है टाइम कितना लगा, 1 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 किलोमीटर जाने में मुझे टाइम कितना लगेगा, 1/x आवर लगेगा, 1/x आवर लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम है, प्लस है डिस्टेंस अगर 1y लगेगा, तो देखो इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन ये है xy और ये है y + x, सिंपली है 2xy x + y,
फॉर्मूला कहाँ से आया पता है? फॉर्मूला कहाँ से आया? सिंपली है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट जिनको पता है वो खुद फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, समझ गया? आप लोग ऐसे याद करो, आप लोग ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लो, चाहे फॉर्मूला आपको कोई भी एक भी फॉर्मूला नहीं है, याद नहीं है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम के टाइम बैठ बैठ के अपने फॉर्मूला बनाओगे और फॉर्मूला बनाने के बाद उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा। ठीक है, ये होता है मैथ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इनके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी। एक मैन है, एक इंसान है, इंसान क्या है, उसका जो हाफ जर्नी है, हाफ जर्नी कवर किया 6 किलोमीटर पर आवर में, 6 किलोमीटर पर आवर में, और जो नेक्स्ट हाफ जर्नी कवर किया वो है 3 किलोमीटर पर आवर में। तो इसका एवरेज स्पीड बताओ, इनका एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया, टोटल डिस्टेंस मान लिया 2, सिंपली 2। आप बताओ ये क्या होगा, 1 तो 1 और 1 तो 1/6 + 1/3, इसको भी आप कंप्लीट करके देख लो, नहीं तो आप सीधा इस फॉर्मूला में लगाओ। 2 × x क्या है, x क्या है, x आपका है 6 इंटू है 3 upon 6 + 3 = क्या है ना, upon 6 + 3 = 9। इसको भी कैलकुलेशन करके देख लो, जो आपको अच्छा लगेगा वही आपने करना, जो आपको अच्छा लगेगा वो कर देना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, रूल 2 क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो रूल 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखो रूल 3 क्या है, 3 नंबर रूल क्या है, इफ अ मैन चेंजेस हिज स्पीड टू x/y ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड गेट लेट बाय t मिनट देन द यूजुअल टाइम टेकन बाय। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन रेल में बोलो, SSC में बोलो, बैंक में बोलो, सारे टाइम हम लोगों को पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर आपका यूजुअल स्पीड का, अगर आपका यूजुअल स्पीड का x/y स्पीड बोल दिया, अगर आपका यूजुअल स्पीड सपोज आपको आपका स्पीड है 10 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर, तो आपका बोल दिया उनका स्पीड का 2/5 उसने चला, मतलब क्या है 10 किलोमीटर स्पीड है और अगर मैंने 4 किलोमीटर बोलता है ना, कभी कभी क्वेश्चन में बोल देते हैं ना कि स्पीड का जो ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड का अगर 2.5 टाइम्स स्पीड में उसने चला तो उसको स्कूल जाने में 10 मिनट लेट हो जाएगा, या अगर उसने स्पीड का ओरिजिनल स्पीड का उसने 6/5 अगर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया तो उसको स्कूल जाने में 10 मिनट लेट जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे? इनके लिए है क्या, इनके लिए सिंपली है, अगर गेट सपोज x/y कर दिया, ठीक है, x/y कर दिया और अगर किसी भी जाने में t मिनट लेट हो जाता है, ठीक है, t मिनट लेट हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या है ना, उस टाइम फॉर्मूला आपका हो जाता है सिंपली t × x अपन क्या है ना, y − x। अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकते हैं, अगर x/y उसका यूजुअल स्पीड हो गया और अगर t मिनट फर्स्ट में पहुंच गया तो उस टाइम में फॉर्मूला क्या होता है, t × x/y। याद रखना, दो फॉर्मूला याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसी क्वेश्चन को ना, इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। इफ अ मैन ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 2/5 टाइम, अभी बोला ना क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भी आ गया। अगर इफ अ मैन उसका यूजुअल स्पीड का 2/5 टाइम्स अगर स्पीड का ओरिजिनल स्पीड जो है, ओरिजिनल स्पीड का अगर 2/5 टाइम्स क्या है, ओरिजिनल स्पीड का जो ओरिजिनल स्पीड है उसी ओरिजिनल स्पीड का अगर 2/5 टाइम्स अगर वो चलता है अगर, ठीक है, तो क्या होता है ना, उसका जो ऑफिस है, ऑफिस 15 मिनट लेट हो जाता है उसका ऑफिस पहुंचने में। अगर ओरिजिनल स्पीड का 2/5 टाइम्स अगर स्पीड लेते हैं और चलते हैं इसी स्पीड में, तो उनको क्या होता है ना, 15 मिनट लेट हो जाते हैं ऑफिस पहुंचने में, ऑफिस पहुंचने में 15 मिनट लेट हो जाता है। तो मुझे बताओ उसका ओरिजिनल स्पीड क्या था, मुझे बताओ उसका ओरिजिनल स्पीड क्या था। सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, t × x मतलब 15 मिनट आपको है, मिनट को आपको क्या करना है, इस टाइम में याद रखना, इस टाइम में एक बात याद रखना, अगर आप 15 मिनट से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अगर आप 15 मिनट से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और अगर क्वेश्चन में कहीं आवर दिया रखा है, अगर आपको बोल दिया कुछ आवर दे दिया यहीं पर, ठीक है, तो आपको उस टाइम सॉल्व करना है आवर में नहीं तो मिनट में, किसी एक को कन्वर्सेशन करना है, ठीक है, ठीक है। चलो तो ये सिंपली है 15 × 2, क्योंकि x = 2 है और y = 5 है, तो 5 − 2 = क्या फॉर्मूला है, क्या होगा ना, 30/ ये हो जाएगा 3 = है 10। तो इसका ओरिजिनल स्पीड क्या है, इसका ओरिजिनल स्पीड क्या है, 10 क्या होगा आपका, नहीं इसका ओरिजिनल टाइम में कितना टाइम लगता है, देन द टाइम टेकन विथ दिस ओरिजिनल स्पीड, अगर वो ओरिजिनल स्पीड में चलता, अगर वो ओरिजिनल स्पीड में चलता, 2/5 में नहीं चल के अगर ओरिजिनल स्पीड में चलता, तो उसको पहुंचने में कितना टाइम लगता,
पहुंचने में टाइम लगता है 10 मिनट, पहुंचने में टाइम लगता है 10 मिनट, ठीक है, समझ गया समझ गया। अगर क्वेश्चन ऐसा भी बोल देता, अगर सपोज बोल देता क्वेश्चन ओरिजिनल स्पीड का, ओरिजिनल स्पीड जो है उसके क्या है ना 6/5, 6/5 उसका स्पीड है, और उसने क्या किया ना 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले ऑफिस पहुंच गया, तो उस टाइम क्या है, उस टाइम क्या है 15 × 6/6 − 5, तो क्या है 6 − 5 तो क्या होता है उसका 15 × 6 मतलब है 90, और 6 − 5 है 1, तो उसको ऑफिस जाने में कितना होता है, एक्चुअल टाइम कितना है उसका 90 मिनट लग जाता, 90 मिनट लग जाता, ठीक है, समझ गया समझ गया ना। हाँ देखो, तो ओरिजिनल स्पीड में अगर चलता क्या होता, अगर उसने ओरिजिनल स्पीड से अगर थोड़ा जल्दी में चल जाता तो क्या होता, और उसके बाद अगर स्लो हो जाता तो क्या होता। मैंने सारे कुछ आपको बोल दिया, मैंने आपको सारे कुछ बोल दिया, ठीक है, समझ गया समझ गया ना। हाँ चलो देखो, वीडियो हम लोग इतना सही रखते हैं, छोटे एकदम बिल्कुल 15 मिनट का वीडियो इसलिए कर रहे हैं, दो तीन कंसेप्ट देंगे, ज्यादा कंसेप्ट नहीं देंगे, ठीक है, ज्यादा कंसेप्ट नहीं देंगे, वीडियो आज यही खत्म करते हैं, क्योंकि हम लोग इसके बाद जो पढ़ने जा रहा है ये है ट्रैवल्स ए और बी, मतलब दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट जो किया था वो सेम पॉइंट से हम लोग स्टार्ट किया था, कल हम लोग जो क्लास में अपलोड करेंगे वो है डिफरेंट पॉइंट से, ठीक है। तो वीडियो हम लोग आज ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, यही वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को देखने के, वीडियो को अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, आपके पास अगर यूट्यूब में अगर फ्रेंड है तो यूट्यूब में शेयर कीजिए, नहीं तो टेलीग्राम में, कहीं भी इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपका ग्रुप है आप प्लीज शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो वीडियो यहीं रखते हैं, वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि हम लोग ना बहुत सारे बहुत ज्यादा कंसेप्ट, इसके बाद दो पॉइंट, उसके बाद ट्रेन का कंसेप्ट आएगा, फिर बोट का कंसेप्ट आएगा, सारे कंसेप्ट आपको एक एक करके क्लियर कराऊंगा, ठीक है, समझ गया। चलो वीडियो यहीं एंड करते हैं, थैंक यू।